दोस्तों अगर आप भी चेन्नई और बेंगलोर के बीच मैच देखने के लिए उत्साहित हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों आज चेन्नई और बेंगलोर के बीच में जो रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है उसकी लाइव अपडेट और साथ में टीम तो आपको यहां पर हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी क्या मानते हो कि चेन्नई और बेंगलोर में से कौन सी टीम है ज्यादा दमदार? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना नीचे कमेंट में। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार 4 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को ही हराकर आईपीएल के इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की थी। तब हालांकि कप्तानी रविंद्र जडेजा के हाथों में थी, लेकिन अब फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने टीम का नेतृत्व संभाल लिया है। जब मौजूदा चैंपियन टीम आज एक बार फिर से बेंगलोर से टकराने के लिए बीच मैदान पर दोनों ही टीमें आमने सामने आई, जहां आज आरसीबी और चेन्नई की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हम सभी को देखने के लिए मिल सकती है। तो वहीं हालांकि आरसीबी की बल्लेबाजी पिछले कुछ मुकाबलों में कमजोर हुई है और अब तक 10 मैचों में से 6 अर्धशतक ही बन चुके हैं। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी तक 9 मैच खेले हैं और उसमें किसी भी गेंदबाज की इकोनॉमी 7.50% ओवर से कम नहीं रही है, जिसके चलते दोनों ही टीमों के लिए प्लेऑफ की होड़ में बने रहने का चैलेंज होगा। हालांकि बेंगलोर ने 10 में से 5 जबकि चेन्नई ने 9 में से 3 मैच जीते हैं और इसीलिए दोनों ही टीमों के लिए आज का मैच एक दूसरे को हराना बेहद ही अहम होगा। हालांकि अगर हम बात करें चेन्नई और आरसीबी की टीम की तो दोस्तों दोनों ही टीमों का प्रदर्शन इस साल काफी ज्यादा अच्छा रहा नहीं है, जहां आरसीबी अपनी बल्लेबाजी में तो दमखम दिखा सकी है लेकिन गेंदबाजी उनकी फ्लॉप साबित हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही अच्छी नहीं रही है, जिसके चलते साल चेन्नई की टीम अभी भी पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पर मौजूद है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें आज के मुकाबले की तो आज हर किसी की निगाहें चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ पर होंगी। तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने पिछले मुकाबले में 99 रन बनाए थे और आज उनसे उम्मीद होगी कि वो 99 रन से आगे खेलकर जरूर टीम के स्कोर को ऊपर ले जाने का काम कर दिखाएंगे। हालांकि अब आइए आपको प्लेइंग 11 टीम बताते हैं जो कि आज के मुकाबले में आप सभी को खेलते हुए नजर आने वाली है। जैसा कि आप सभी यहां पर बेंगलोर की प्लेइंग 11 टीम देख सकते हो, जो आज बेंगलोर की प्लेइंग 11 टीम में आप सभी को बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। उसमें जो ओपनिंग करेंगे आज खिलाड़ी उसमें एक बार फिर से फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली का ही नाम निकल कर आता है। तो वहीं तीसरे नंबर पर रजत पाटीदार टीम का हिस्सा होंगे, फिर ग्लेन मैक्सवेल को मौका दिया जाएगा, महिपाल लोमरोड, शाहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, वानंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉस हेजलवुड और मोहम्मद सिराज आप सभी को आज खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अगर हम बात करें चेन्नई की प्लेइंग 11 के बारे में, जो चेन्नई की टीम होगी उसमें ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, रॉबिन उथप्पा, अंबती रायडू, एमएस धोनी, रविंद्र जडेजा, मोइन अली, ड्वेन प्रिटोरियस, महेश तीक्षणा, सिमरजीत सिंह और मुकेश चौधरी को मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों यही होगी आज के मुकाबले की प्लेइंग 11 टीम जो कि आपको दिखाई देने वाली है। बाकी अब आप सभी की क्या राय है इस मैच के बारे में और आपके अनुसार आज कौन सी टीम मैच जीतने के लिए दावेदार है? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।